हेलो फ्रेंड, आज हम जानेंगे जैसे अपने सिस्टम पे एक नई ड्राइव कैसे क्रिएट करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जब कोई सिस्टम हम इंस्टॉल करते हैं तो इंस्टॉलेशन के बाद जो है उसमें एक ही ड्राइव बन के आती है सी। हालांकि इंस्टॉलेशन के टाइप आप वहाँ पे दो तीन ड्राइवें और बना सकते हैं, लेकिन बाई डिफॉल्ट लोग जो है एक ही ड्राइव क्रिएट करके उसमें इंस्टॉलेशन कर देते हैं। तो जब हम ओपन करते हैं अपना सिस्टम, तो वहाँ पे जैसे दिस पीसी हम ओपन किए हैं, तो वहाँ पे हमें सिर्फ जो है एक हमारी ड्राइव शो कर रही है। तो जो एक ड्राइव शो कर रही है, तो इससे प्रॉब्लम यह है कि जैसे हम कोई भी फाइल अगर इसमें सी ड्राइव के अंदर बेसिकली हम लोग रखते नहीं अपनी कोई भी इंपॉर्टेंट फाइल, क्योंकि अगर इसमें क्रैश होता है तो इस केस में हमारी फाइल जो है रिकवर करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो डी ड्राइव हमें बनाना होता है, डी या ई ड्राइव अपने अकॉर्डिंग जितनी ड्राइव आप बनाना चाहें। तो उस केस में हमें सबसे पहले अपने सिस्टम के दिस पीसी पे राइट क्लिक करना होगा, और यहाँ पे हम मैनेज पे जाएंगे। अब तो यहाँ पे अगर आप यूजर से लॉगिन हैं तो आपको एडमिन का पासवर्ड डालना होगा। या फिर डोमेन पे अगर आपका सिस्टम है तो आपको वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड डालना होगा, तभी आप उसमें एक्सेस कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं कंप्यूटर मैनेजमेंट ओपन कर रखा हूँ, और यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, टास्क शेड्यूल, इवेंट व्यूअर, शेयर फोल्डर, लोकल यूजर। इससे भी एक अपना होता है डिस्क मैनेजमेंट, स्टोरेज के अंदर होता है डिस्क मैनेजमेंट, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डिस्क मैनेजमेंट। तो हम डिस्क मैनेजमेंट पे हमको क्लिक करना होगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी हार्ड डिस्क की टोटल साइज़ दिखा रही है, 465 GB, अप्रोक्सीमेट 500 GB की ये हमारी हार्ड डिस्क है, जिसमें 100 GB के आसपास 99.45 GB जो कि हमारी सी ड्राइव बनी हुई है, और 365.76 GB जो हमारी अनएलोकेटेड है, मतलब ये कोई ड्राइव नहीं बनी हुई है। तो अगर आप चाहते हैं कि इसको हम एज ए ड्राइव यूज करें, इसको मतलब यूज करने के लिए इस पर हम राइट क्लिक करना होगा, और राइट क्लिक करने के बाद जो है न्यू सिंपल वॉल्यूम पे क्लिक करेंगे, और इस तरीके से एक जो है विजार्ड ओपन होकर आएगा जिसमें पूछ रहा है द विजार्ड हेल्प टू क्रिएट अ सिंपल वॉल्यूम ऑन डिस्क, अ सिंपल वॉल्यूम कैन ओनली बी ऑन अ सिंगल डिस्क, टू कंटिन्यू क्लिक नेक्स्ट। अगर आप इसे कंटिन्यू करना चाहते हैं, मतलब क्रिएट करना चाहते हैं, तो आपको नेक्स्ट क्लिक करना होगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरी की पूरी साइज़ दिखा रही है 374538। अगर आप चाहते हैं कि तीन चार हमें और ड्राइव बनाने हैं, तब इसमें साइज आपको कम करने होंगे, जैसे 3,37,000 3,74,538 KB है। अगर इसमें आप तीन ड्राइव बनाना चाहते हैं तो जो है 10,000 KB का हम बना सकते हैं, 1,00,000 KB का। तो इसमें तीन ड्राइव हमारी क्रिएट हो गई, हालांकि मुझे एक ही ड्राइव बनानी है। तो यहाँ पे या फिर मैं एक काम करते हैं, दो हम यहाँ पे ड्राइव बनाते हैं, इससे आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। 37 था, 37 का हाफ हो गया, अब इसको हम नेक्स्ट करते हैं। इसका अब यहाँ पे आप देख सकते हैं असाइन द फोल्डर ड्राइव लेटर, यहाँ पे डी ड्राइव शो कर रहा है, और माउंट द फोल्डर एम्प्टी एन डी एफ एस फोल्डर, डू नॉट असाइन द ड्राइव लेटर। अगर आप इसको कोई ड्राइव का को नाम नहीं देना चाहते तो डू नॉट असाइन पे क्लिक करेंगे, और इसको आप कोई नाम देना चाहते हैं कि ये डी ड्राइव हमारी हो, तो यहाँ पर नेक्स्ट कर देंगे। और यहाँ पर नेक्स्ट करने के बाद हमें नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर फाइल का टाइप होता है, अगर फैट पे बनाना चाहते हैं तो फैट पे बनाएंगे, एन टी एफ एस पे बनाना चाहते हैं तो एन टी एफ एस पे बनाएंगे। तो एन टी एफ एस पे हम लोग बेसिकली बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी लेवल अच्छा होता है एन टी एफ एस का। तो एन टी एफ एस पे करके मैं फिनिश कर दिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं डी ड्राइव बन के तैयार हो गई है हमारी। अब वहाँ पे 189.98 GB आप देखेंगे, वहाँ पे मैं 180 मतलब 1,80,000 के आसपास मैंने साइज लिया हुआ था, तो यहाँ पे इतना साइज मेरा फिर बचा हुआ है। फिर मुझे एक ड्राइव बनानी होगी, या फिर इसको अगर नहीं यूज करना चाहते तो ऐसे छोड़ देंगे, अगर यूज करना चाहते हैं
तो फिर न्यू वॉल्यूम पे हमें क्लिक करना होगा, फिर वही सेम प्रोसेस होगा जैसा मैंने पिछले डी ड्राइव बनाने में किया था। यहाँ पे नेक्स्ट करना होगा, यहाँ पे पूरी साइज है, तो इसमें भी अगर आप दो बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं अपन अपने अकॉर्डिंग। फिलहाल मैं इसको पूरा पूरा ले लेता हूँ, और यहाँ पे देखिए असाइन द फॉलोइंग ड्राइव लेटर ई आ रहा है, तो ई आ रहा है, तो बाई डिफॉल्ट इसमें भी कोई चेंजेज नहीं करना है, हमें अपने अकॉर्डिंग कोई नाम नहीं रखना है, ई ड्राइव ही सही है। और इसको नेक्स्ट करते हैं, हम नेक्स्ट करने के बाद सेम वही प्रोसेस आ रहा है जैसा कि हम डी ड्राइव में देखे थे। यहाँ पे एन टी एफ एस आ रहा है, डिफॉल्ट आ रहा है, न्यू वॉल्यूम आ रहा है, और फिर इसके बाद हमें नेक्स्ट करना होगा। नेक्स्ट करने के बाद हम फिनिश करेंगे। अब यहाँ पे हमारी ई ड्राइव बन चुकी है, ये भी एन टी एफ एस में है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं दो ड्राइव मैंने बनाई थी, एक 175.78 GB और दूसरी 189.98 GB।